हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग फिजिक्स का ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री का ही कह सकते हो कि एक फेमस इक्वेशन जिसे आइंस्टीन ने दिया था E=mc² का डेरिवेशन करेंगे, उसे समझेंगे। इस इक्वेशन के पहले की कहानी ये थी कि हम लोग इसमें मास को एक अलग चीज़ जानते थे, एक अलग तरह की क्वांटिटी जानते थे, और एनर्जी को एक अलग तरह की क्वांटिटी जानते थे। दोनों एक अलग अलग चीज़ थी, यूँ कह लीजिए कि हमारे हिसाब से वो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क था। लेकिन जैसे ही इस इक्वेशन की एंट्री होती है, इस इक्वेशन की एंट्री होती है, पूरा एकदम भूचाल मच जाता है कि भाई एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में बदल सकते हैं। यानी कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, वो एक ही क्वांटिटी के दो रूप हैं। ऐसा हम लोगों ने समझा। अब देखिए कि जैसे आपको मास को एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए बहुत सारे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराने पर वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, यानी लाइट न्यूक्लियस में बट जाता है। उस दौरान उसका मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट की वजह से उसमें उस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन में देखिए कि दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और उस दौरान मास डिफेक्ट होता है, उस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है। हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब बात रही कि क्या हम लोग इसमें ये बता सकते हैं कि किसी बॉडी में मास आया है एनर्जी देने पर? तो हाँ, अगर हमें निकालना है कि मास उस पर आया है तो हम कैसे निकालेंगे? E/c². जैसे किसी बॉडी को आप गर्म करो, यानी कि उसको हीट दे रहे हो, हीट मतलब रेडिएशन दे रहे हो, रेडिएशन मतलब फोटॉन्स दे रहे हो। और अगर ऐसा है तो क्या होगा कि ई हमें पता है रेडिएशन है, सी क्या है? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हम इसको डिवाइड करके वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू और, यानी 9×10^16 का इसमें डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू एम की बहुत छोटी आएगी, लेकिन कैलकुलेशन हो सकता है बहुत छोटी आए या किसी तरह से हम इसे ना कर पाए, लेकिन ऐसा है कि हमने यहाँ पर एनर्जी को मास में कन्वर्ट होते हुए समझ लिया, राइट। आइए इसका डेरिवेशन को समझते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों पहले अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है, और ये लीनियर मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ होता है। यानी कि फोर्स किसके बराबर होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी dp/dt जो होगा वो फोर्स रहेगा। अच्छा, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। इसे आप रखो यहां पर f=ddt ऑफ m×v। अब यहां पर देखिए, यहां पर मास और वेलोसिटी दोनों को हम वेरिएबल ले रहे हैं, यानी कि दोनों बदलता है, यहां बदलेगा भी। तो यहां पर f=क्या हो जाएगा? एक बार आप किसे मास को चलो बाहर कर लो, यहां dv/dt इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर v को बाहर कर लो, dm/dt हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आपको आ गई है। अच्छा, अब एक बात को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर दो कारें बनाई गई हैं, अब इस कार को समझिए, इस पे फोर्स लगाया गया एफ, फोर्स लगाने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना? dx। तो क्या हमने वर्क किया है? तो आप बोलोगे बिल्कुल किया है। कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया।
क्या इस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी बदली है? तो आप बोलोगे हाँ। अरे भाई, इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, जब उसको धक्का दिया गया तो कुछ उसकी वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब एनर्जी उसकी अलग हो गई है, एनर्जी बदली है। तो इसमें इसका मतलब जो वर्क डन हुआ है उसकी के सेम अमाउंट यानी उसी के बराबर क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर गई, बदल गई। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो वर्क डन है, ध्यान दीजिएगा, जो वर्क डन है वो एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई तो आपको इसमें एफ की वैल्यू ये रखनी है, एफ क्या है, एम, और ये क्या है बेटा, ये आपका है डी वी बाई डी टी प्लस वी यहां से डी एम बाई डी टी, और बाहर कितना इसमें है, डी एक्स है। वेरी गुड। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इस डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो आप करो इसमें, यहां हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी और यहां डी एक्स प्लस वी, यहां हो जाएगा डी एम बाई डी टी और इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। इस डी टी को मैं डी एक्स के साथ ले लूं दोनों को, तो क्या बनेगा आपका, देखो एम डी वी और यहां से डी एक्स बाई डी टी प्लस यहां से v dm और यहां से dx by dt, ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। फिर लेकिन हमने एक चीज समझा है कि जो dx by dt होता है वो डिस्प्लेस अपॉन टाइम इंटरवल है, तो इसी को तो वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि ये v हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो dw चल रहा था इधर से वो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये v बन जाएगा, v को मैं पहले लिखूंगा, तो यहां से आपका हो जाएगा mv और ये dv प्लस, यहां ध्यान दीजिए v यहां का और ये v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर और यहां आ जाएगा आपका dm। इक्वेशन नंबर 1 बना लूं, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब हम एक चीज जानते हैं कि नाउ वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ मास, जो मास है वो बदलता है, मास विथ किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ बदल रहा है। ये वैल्यू कैसे पता चलती है, तो ये गिवन बाय, ये होता है इस तरह से कि आपने m बराबर लिखा m नॉट बाय रूट ओवर में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक। ये आपका रेस्ट मास है, आपका नहीं मतलब बॉडी का, ये बॉडी जब v वेलोसिटी से मूव करने लगती है तब उसका मास, तब का मास है, v जो है उस बॉडी की वेलोसिटी है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक लाइन तो लिख सकते हैं, स्क्वायर करो तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर यहाँ से एम नॉट स्क्वायर बाय यहाँ से v, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, फिर उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको, देख लिए। अच्छा, इधर का मैं मिटा देता हूँ, चलो इसका काम अब नहीं है, ठीक, देख लिया आप, यहाँ मैकेनिक्स को हटा दिया जाए और इसका काम है, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर देखूँगा क्या होगा। यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, C का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये C ऊपर चला जाएगा, तो होगा क्या, देखो यहाँ बन जाएगा आपका एम स्क्वायर बराबर यहाँ एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, नीचे ध्यान देना सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यही होगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, और सी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें इसका, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर, ये बचा हुआ है एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका आपको करना है डिफ्रेंसिएशन, इक्वेशन नंबर चलो इसको 2 कर लेते हैं, किसका करना है, ऑफ इक्वेशन एज क्या क्या कांस्टेंट लेना है, एम नॉट एंड सी आर कांस्टेंट, इन दोनों को आपको क्या करना है, कांस्टेंट लेना, इनको आपने कांस्टेंट रख दिया, ये कांस्टेंट है। अब देखिए इसका जब करोगे डिफरेंशिएशन तो आपको इसमें इन दोनों के तो जीरो हो जाएगा, इसमें सी कांस्टेंट है तो केवल एम का होगा,
तो 2m हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल फॉर्म dm हो जाएगा और यहां से c स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ऐसे करके। फिर माइनस इसका देखिए, पहले मैं m का करता हूं 2m और ये dm और इसके बाहर v को मैं रहने देता हूं। फिर अभी v का होगा माइनस, तो यहां पर m स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2v और dm हो जाएगा। दिखा आपको ये बराबर कितना हो जाएंगे, जीरो। थोड़ा इसको एडजस्टमेंट में लिख लें या फिर आप इसमें देखिए क्या कर सकते हो, 2m इसमें का, 2m इसमें का और इसमें का 2 और इसमें का m उधर भी, तो ये अंडरस्टूड कर लेना। तो यहां से क्या बचेगा, c स्क्वायर dm बच रहा है, माइनस यहां से बचेगा v स्क्वायर dm बचेगा, माइनस यहां से m बचेगा, यहां से v बचेगा, तो यहां से हो जाएगा m v और ये dm बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ये जो माइनस वाले पोर्शन हैं उनको हम दाहिनी तरफ भेज लें, हाँ भाई भेज लो, इसको इस पार कर लो, तो ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम बराबर, ये आपका आ जाएगा वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी और ये डी एम। ठीक, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है बेटा, आपने बोला भी नहीं ये वी न रहेगा, ये गलती थी भैया, गलती थी। चलो यहां तक ठीक है, अब जरा इस वाले इक्वेशन को थर्ड कर लो और इक्वेशन थर्ड और वन और थर्ड को देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, बोलो क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों इक्वेशन, ये जरा ध्यान दो ये वाला और इसमें इस वाले को ध्यान दो, क्या दोनों सिमिलर है, हाँ भाई सिमिलर है, तो ये अगर सिमिलर है तो यही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, हाँ भाई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितना, डी के बराबर सी स्क्वायर डी एम। अब अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी, तो आप क्या करोगे, इससे के लिखोगे और इसका इंटीग्रल करोगे, इस छोटी सी काइनेटिक एनर्जी जो छोटा सा पार्ट है उसका इंटीग्रल करोगे बड़े से पार्ट के लिए, तो क्या होगा बड़े से पार्ट के लिए जब इसका इंटीग्रल करोगे, तो कहां से कहां तक करना है, बॉडी पहले रेस्ट में थी, तो रेस्ट में मतलब रेस्ट मास एम नॉट था, फिर उसके बाद जब मूव करने लगी तो उसके पास मास एम हो गया, तो इसका मतलब मास जो वेरी कर रहा है वो एम नॉट से एम तक कर रहा है। ठीक, इधर का हटा देते हैं, चलो भाई इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब क्या होगा, ध्यान देना, इसमें आप वैल्यू रखो m नॉट से कहां तक है, m तक, इसकी वैल्यू क्या है, यही है, तो आपने c स्क्वायर और ये dm रखना है, तो यहां से बेटा आपका k बराबर आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रल होगा वो m हो जाएगा, तो आपको c बाहर करना है, इसका इंटीग्रल कितना हो गया m और लिमिट m नॉट से कहां तक, m तक है भाई, और इसमें आप रखो सी स्क्वायर, पहले कौन सी अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट होता है, और यहाँ से एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर चल रहा है, के। हम लोग कभी पढ़े थे कि टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और अगर मैं इसमें से काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का कंपेरिजन कराइए, ध्यान दो ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये वैल्यू आ गई, यानी कि आप लिख सकते हो कि भाई पोटेंशियल जो एनर्जी है, कई बार लिख रहे हो भैया, पोटेंशियल एनर्जी ई बराबर नहीं पी बराबर कितना है एम नॉट सी स्क्वायर, इसको तो रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं, रेस्ट मास एनर्जी है, मतलब जब बॉडी रुकी थी तब की उसके पास एनर्जी है, ओके। और जरा इसको देखिए, ये क्या है टोटल एनर्जी है, इसका मतलब कि ई जो है वो एनर्जी टोटल है, और ये किसके बराबर आ गई, ई बराबर एम सी स्क्वायर के हो गई, राइट है, ओके। कांस्टेंट नहीं लिखने आ रहा यार, कांस्टेंट लिखो, इसको थोड़ा देख के लिखो कांस्टेंट, ओके चलो, थैंक यू।